छत पर झाड़ू लगाने गई थी नई बहू, देर तक नहीं लौटी तो होने लगी तलाश, फिर सामने आया बड़ा सच। आइए जानते हैं इस हैरान कर देने वाली घटना के बारे में। राजस्थान के नागौर से ये मामला सामने आया है। यहाँ सावरमल सोनी अपने भाई नथमल सोनी के साथ जसवंतगढ़ इलाके में माता पिता के साथ रहता है। दोनों भाई ज्वेलर्स का काम करते हैं। सावरमल ने बताया कि उसके भाई नथमल की कहीं शादी नहीं हो रही थी। काफी तलाशने के बाद भी कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही थी। नथमल शादी के लिए काफी परेशान रहने लगा। उम्र बढ़ने के साथ ही उसको शादी ना होने की चिंता हो रही थी। इसी बीच वो दलालों के चक्कर में फंस गया। उनके पड़ोस में फारूख नाम का आदमी रहता था। नथमल की फारूख से अच्छी पहचान थी। उसने पड़ोसी को अपनी शादी ना होने की बात बताई तो फारूख ने मदद करने को कहा। फारूख ने नथमल को बताया कि उसके दो लोग जानने वाले हैं, वो ढूंढ लोद सीकर निवासी हसन और मोहम्मद सलीम है। दोनों ही शादी करवाने का काम करते हैं। हालांकि उन दोनों को पैसे देने पड़ते हैं, इसके बदले में वो दुल्हन तलाश देते हैं। नथमल राजी हो गया। दोनों दलालों ने पीड़ित से 2 लाख रुपए की डिमांड कर दी। उन लोगों ने कहा कि रुपए लेने के बाद वो अच्छी लड़की से शादी करवा देंगे। नथमल उनकी बातों में आ गया और उसने 2 लाख रुपए दलालों को दे दिए। दलालों ने नथमल की मुलाकात बिहार की काजल से करवाई, फिर दोनों की शादी भी करवा दी। एक दिन दुल्हन ने सास और ससुर को सुबह चाय पिलाई और इसके बाद उसने कहा कि छत काफी गंदी है तो वो झाड़ू लगाने जा रही है। जब बड़ी देर तक वो वापस नहीं आई तो तलाश शुरू हुई और पता चला कि काजल छत फांदकर फरार हो गई है। जब कमरों में देखा गया तो सोने चांदी और गहने और नगद गायब मिले। वहीं दलाल 50,000 रुपए में दुल्हन को वापस लाने को कह रहे हैं। नथमल ने पुलिस में केस दर्ज करवा दिया है और काजल 5 तोला सोना और 20 तोला चांदी लेकर फरार हुई है। तो इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें।